तो देखो इस तरफ पूरा का पूरा ऐसा टाइप का सी शेल है एंड इस तरफ ऐसा टाइप का। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी दिन के 3 बज रहे हैं और मेरी अभी सुबह हो गई है क्योंकि नाइट शिफ्ट करने के बाद मैं सो जाती हूँ एंड उठते उठते ऑलमोस्ट आधा दिन निकल जाता है। सो अभी मैं उठ के मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैं मैगी बना रही हूँ। जस्ट हैव अ लुक। मैगी बना रही हूँ एंड मैगी खाने के बाद सोच रही हूँ कि आज सी शेल बीच जो है वो एक्सप्लोर करें। गोवा का एक ऑपिट प्लेस है। सो बीच के लिए रेडी हो गई हूँ एंड अभी हम लोग निकलेंगे एंड जो लोकेशन मैंने देखी थी ना एक्चुअली आई एम नॉट श्योर कि वो ओपन है कि नहीं क्योंकि अभी हमारा ऐसा कई बार हो चुका है कि कोई लोकेशन आप मैप पे चेक कर रहे हो फिर वहाँ पे जाके पहुँच के पता चलता है कि वो बंद है। तो होप फॉर द बेस्ट ताकि मतलब हम वो एक्सप्लोर कर पाए क्योंकि मैं बहुत दिन से वेट कर रही थी कि सी शेल बीच देखो। नाउ लेट्स सी एंड आज का वीडियो आपको वहाँ पे जाके दिखाएंगे। प्याज लगी थी तो यहाँ पे साइड में छोटा सा टपरी है यहाँ पे रुक के ले ली क्योंकि आसपास इतना कुछ मेरे को स्टॉल या दुकान वगैरह नहीं दिख रहा है ऐसे रोड साइड पे है। यार मैं सच बताऊँ मैंने पहली बार ना सी शेल बीच देखे मैं पूरा बौखला गई हूँ। पिछले 4 दिन से मैं ये नेट पे गूगल मैप पे चेक कर रही थी कि मुझे आना है। फिर उसके बाद आज अचानक से आज वीक ऑफ भी था मेरा तो अचानक से मेरा प्लान हो गया कि आज आना ही है और जैसे मैं उठी मैं तुरंत यहाँ पर रेडी वेडी होके आ गई और इतना मस्त लग रहा है ना मैंने पहली बार बौखला गई हूँ। क्या बोलते हैं उसको बौखलाना बोलते हैं ना मैं पूरा बौखला गई हूँ देख के। शिट देखो ये क्रैक का क्या बोलते हैं क्रैक का पंजा। सो हमने इधर साइड से एंट्री करी थी यहाँ से क्योंकि पार्किंग नहीं था तो अभी यहाँ से चल के हम उधर उस छोर तक जाने वाले हैं वहाँ पे एग्जैक्टली सी शेल जैसे ऐसा है ना वहाँ का पूरा वहाँ पे बीच है। यहाँ पे तो मतलब है बट बहुत कम है। ये आपको पता है क्या है जिसमें वन काइंड ऑफ सी शेल नहीं होते जिनमें पर्ल्स मिलता है वो सी का शेल है। लुक अभी तक मैंने ये शेल कलेक्ट की है एंड और भी ढूंढ रही हूँ मैं और ये इतना वास्ट है ना एकदम उधर से लेके इधर का जो ये एंड है ना यहाँ तक है तो हम यहाँ पे घूम रहे हैं एंड मैं और भी बहुत सारा कलेक्ट करने वाली हूँ आपको दिखाऊंगी एट द एंड। तो अभी हम यहाँ से साइड साइड से चल के जा रहे हैं और जैसे जैसे जा रहे हैं बहुत सारे शेल्स दिख रहे हैं बहुत सारा एंड मैंने अभी कोई आ रही थी तो हमें बताया कि उधर साइड में अगर इसे क्रॉस करो तो और भी बहुत सारा है बहुत सारा। सो हम उधर साइड पे ही जा रहे इतना सारा मिल गया अभी तक
I'm trying to collect some units here. तो देखो इस तरफ पूरा का पूरा ऐसा टाइप का सी शेल है एंड इस तरफ भी ऐसा टाइप का, मतलब टोटली डिफरेंट टाइप का एक ही बीच में ऐसा करके, ये पानी के थ्रू ऐसा करके सेपरेट हुआ है आई थिंक नेचुरली, बट हाउ क्रेजी दिस इज, ओह माय गॉड. आप लोगों ने कभी सीशेल बीच के बारे में सुना है? एक्चुअली ये जगह ना फर्स्ट टाइम मैं सीशेल बीच देख रही हूँ, और आप चाहे इस तरफ देख लो, इस तरफ पूरा का पूरा सीशेल भरा हुआ है, मतलब वो पूरा बीच साइड में, इस तरफ देख लो पूरा का पूरा एक इतना क्रेजी वेदर हो रखी है, एंड इधर जैसे धूप है ना सेम, इधर देख लो पूरा अंधेरा हो रखा है, अभी बारिश होने वाली है. दिस इज द मैजिक ऑफ गोवा. यूनिक सीशेल और मैं और भी कलेक्ट करने वाली हूँ चिंता ना. तो देखो इस तरफ पूरा का पूरा ऐसा टाइप का सीशेल है एंड इस तरफ भी ऐसा टाइप का, मतलब टोटली डिफरेंट टाइप का एक ही बीच में ऐसा करके, ये पानी के थ्रू ऐसा करके सेपरेट हुआ है आई थिंक नेचुरली, बट हाउ क्रेजी दिस इज, ओह माय गॉड. तो आज का वीडियो यही था कि अभी हम जा रहे हैं घर वापस, जाने का मन नहीं कर रहा. देखो ना कितना सुंदर है, जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बट वी हैव टू गो, क्या कर सकते हैं. बट फिर से आऊँगी मैं ज़रूर, जब भी नेक्स्ट आने का मन करेगा. एंड स्टिल मैं जाते जाते भी अभी भी सीशेल ही ढूंढ रही हूँ. ओके चलो फिर मिलते हैं, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो. और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर देना. टिल देन बाय बाय.